बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे धरोहर के बारे में बताने वाले हैं जो अकाल से बचने के लिए बनाया गया था। हालांकि इसके डिजाइन में कुछ कमी रह गई जिसके कारण गर्मी के दिनों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन आज यह बिहार के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। यह अपनी ऊंचाई और चौड़ाई के कारण लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना है। आप पटना के जिस ऐतिहासिक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम भी उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, हम आज आपको पटना के गोलघर के बारे में बताने वाले हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि एक बार अगर गोलघर पर चढ़ जाए तो मानो पूरा पटना आपने एक नज़र से देख लिया, लेकिन समय के साथ शहर का रूपरेखा बदला और आज गोलघर के ऊंची इमारतें जरूर है, लेकिन लोग एक बार इस गोलघर का दीदार जरूर करना चाहते हैं। हम इस गोलघर के बनने के पीछे के इतिहास के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लीजिए उसके आकर्षण के बारे में। गोलघर आज लोगों के बीच में, खासकर बच्चों के बीच में कौतूहल इस बात का है कि आखिर इसे गोल बनाया कैसे गया होगा, इतनी ऊंचाई पर कोई कैसे चढ़ सकता है, इसकी चौड़ाई कितनी है। बच्चों के मन में गोलघर को लेकर न जाने कितने सवाल उठते हैं। आज यह पटना का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि गोलघर को अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। बता दें कि इसका निर्माण बारन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। कहा जाता है कि गोलघर में 1,40,000 टन अनाज एक बार में रखा जा सकता है। इस गोलघर के निर्माण की जिम्मेवारी ब्रिटेन के इंजीनियर कैप्टन जॉन गाटी स्टिक को दिया गया था। इस गोलघर का निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। गंगा नदी के किनारे बसे राजधानी पटना का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस शहर पर कई राजवंशों का उद्भव हुआ और उन्होंने इसे राज भी किया, साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी इस राजधानी यानी कि राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर इस गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था। आपको बता दें कि उस समय के गवर्नर बारन हेस्टिंग्स ने गोलघर बनाने का मुख्य कारण था अकाल। बता दें कि उस समय बिहार और बंगाल में अकाल के कारण लाखों लोगों की मौत हुई थी। इसी दौरान बारन हेस्टिंग्स ने एक ऐसा घर बनाने के बारे में सोचा जिसमें कि बहुत सारा अनाज एक साथ रखा जा सके, जिससे कि सैनिकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, ना तो उसके रखने में और ना तो उसके बचाव में। इस गोलघर की एक बड़ी खासियत यह भी है कि आजकल जिस तरह के बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है उसमें पिलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस गोलघर में एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि गोलघर में ऊपरी हिस्से पर पत्थरों से बनाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे गोलघर में ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस गोलघर को ऊपर चढ़ने के लिए 145 सीढ़ियां बनाई गई है। बता दें कि इस गोलघर के चारों ओर घुमावदार आकार का बना हुआ यह पूरा गोलघर, अपनी इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो 95 फीट के लगभग माना जाता है। बता दें कि इसकी शुरुआत के समय में इस गोलघर के ऊपर छिद्र बनाया गया था जिससे कि अनाज को ऊपर रखा जा सके, लेकिन बाद के समय में उसे बंद कर दिया गया। बता दें 1999 तक इस गोलघर में अनाज भंडारण का कार्य होता रहा, लेकिन बाद के समय में इसमें अनाज रखने पर कई तरह की परेशानियां सामने आने लगी और अब जो है पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया और अब जो है यह एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में हम लोगों के बीच में है, आकर्षण का केंद्र बनकर अब हम लोगों के बीच में है। लोग जो है अब यहां पे उसके दर्शन के लिए आते हैं, उसे देखने के लिए आते हैं। खास करके बच्चों में एक बड़ा कौतूहल है, वो तस्वीरों में अपने स्कूलों के तस्वीरों में जब गोलघर को देखते हैं और जब राजधानी पटना उनका आना होता है तो वे एक बार ज़रूर गोलघर का दीदार करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत और वो भी गोल, तो ऐसे में बच्चों के मन में जो है सबसे बड़ा कौतूहल का विषय होता है यह गोलघर।